नमस्कार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और सेना भारतीय छात्रों के साथ बर्बरता पर उतर आई है। बिगड़ते हालात चिंता का कारण बने हुए हैं। 3 डिग्री के तापमान में ठिठुर रहे छात्र अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूतावासों के सामने लंबी कतार खड़ी है। कथित तौर पर कोई प्रतिक्रिया दूतावास नहीं दे रहे हैं। 20,000 से ज्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र बंकरों में छुपे बैठे हैं। समाचारों से पता चला है कि यूक्रेन से लगे हुए देश जैसे पोलैंड, हंगरी में छात्र, खासतौर पर भारतीय और अफ्रीकी, को प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही है। कुछ छात्राओं ने सीमा में घुसने की कोशिश की तो उनको बाल पकड़कर मारा गया। यूक्रेन के सैनिकों ने कई छात्रों पर लाठीचार्ज भी करा है। इस युद्ध के चलते एक बेगुनाह भारतीय छात्र को खार्किव में आज सुबह गोलीबारी में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं इस भारतीय छात्र को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने कुवैत, लेबनान आदि में ऐसी स्थिति में विदेशी कूटनीति के उच्च मानक स्थापित किए और भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया है। मैं सरकार से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए